हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी की बोलियों के बारे में। लेकिन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संपर्क भाषा हिंदी के बारे में। तो संपर्क भाषा शब्द अंग्रेजी शब्द लिंगवा फ्रेंस के रूप में व्यवहृत होता है। दो व्यक्तियों के बीच ऐसी भाषा जो उनमें संप्रेषण का कार्य करे, जहां दोनों भिन्न भाषा प्रयोक्ता हो, तो संप्रेषण की भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषा भाषियों के रूप में संपर्क का कायम करती है। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही पूरे देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप में राजभाषा के रूप में हिंदी राजकाज के व्यवहार में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। विभिन्न भाषा भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। वह सरकार की राजभाषा भी है तथा सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा भी है। इस तरह तीनों रूपों, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है, क्योंकि इन तीनों में अंतर संबंध है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण स्वीकृत भाषा होती है, जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषा घोषित की जाती है, तथा संपर्क भाषा का विकास प्रोक्ता के स्वैच्छिक आधार पर निर्धारित होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। संपर्क भाषा ही जब जन स्वीकृति पा लेती है तो भाषा का दर्जा पा लेती है। इसको लाठी के जोर से राष्ट्रभाषा बनाने का काम नहीं किया जा सकता है। विकसित देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि। इस दृष्टि से भारतवर्ष के समृद्ध देश हैं, जहां हिंदी ही तीनों रूपों में प्रयुक्त होती है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा तीनों ही है, किंतु हिंदी को आज भी संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अतः निकट भविष्य में हिंदी की प्रगतिशीलता एवं प्रयोजन मूलकता उसे राष्ट्रभाषा ही नहीं, वैश्विक मंच पर अन्य भाषाओं के साथ जोरदार उपस्थिति दिलाएगी। अब जानते हैं हिंदी की बोलियों के बारे में। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियों का समावेश है। जो बोलियां हिंदी के विकास में
अवरोध ना खड़ा कर हिंदी की उन्नति में सहायक है। डॉक्टर हरदेव बिहारी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा वर्ग मानते हैं। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी और पांचवा पहाड़ी बिंदी हिंदी। डॉक्टर बिहारी के अनुसार हिंदी प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से 5 प्रकृतें थी, अपभ्रंश, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी और खस, जिसे हम हिंदी कहते हैं। वह वास्तव में हिंदी 5 प्रकृतों की उत्तराधिकारिणी विभाषाओं का संघ है। अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, अर्धगामी मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी और खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी क्षेत्र के पश्चिम भाग की उपभाषाओं के समूह के लिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी नाम दिया। क्षेत्र की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी का विस्तार पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा से लेकर पूरब में अवधी और बघेली की सीमा तक, उत्तर में पहाड़ी हिंदी की सीमा तक तथा दक्षिण में मराठी तक चला गया है। इसके अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 भाषाएं मानी गई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इन 5 के अतिरिक्त निमाड़ी को भी इसी वर्ग के अंतर्गत मानते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण में बंबई, मद्रास और हैदराबाद के आसपास मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त दक्षिणी हिंदी भी इसी वर्ग की भाषा है। खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है तथा अन्य बोलियों का क्षेत्र आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा आदि है। पश्चिमी हिंदी की सामान्य विशेषताएं हैं। पहला, इसके उच्चारण में थोड़ा खरापन अधिक है। दूसरा, कर्ता पर सर्ग का चिन्ह ने विशेष रूप से हमारा ध्यान खींचता है। तीसरा, पंजाबी का अल्प किंतु अनुपेक्षणीय प्रभाव है। और चौथा, आकार बहुला बोलियों में ड की अपेक्षा ड और न की अपेक्षा ण का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इनका क्षेत्र कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि प्रदेश हैं। इस भाषा को बोलने वाले की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक है। इसमें कर्ता कारक का परसर्ग ने नहीं प्रयुक्त होता है। क्रिया के सकर्मक अकर्मक रूप का कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया रूप कुछ जटिल है, ये तो बहुत से तिदंतीय रूप अभी चलते हैं और दूसरे क्रिया के साथ सार्वनामिक प्रत्यय लगाते हैं, जैसे आई तई यानी मैं आता हूँ, पूछिस यानी उसने उससे पूछा आदि। इस पर विदेशी शब्दावली का प्रभाव कम है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती बोलियां आती हैं। इनका क्षेत्र राजस्थान का जयपुर, अजमेर, इंदौर आदि है। बोलने वालों की संख्या 2.65 करोड़ के आसपास है। यह ट वर्ग प्रधान भाषा है। ण, क, ड और ऊ का प्रयोग यहाँ अधिक होता है।
अल्प प्राणीकरण की प्रकृति अधिक है। बहुवचन में ए का नहीं आ का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगधी, भोजपुरी बोलियां आती हैं। इसके अलावा वज्जिका को भी विद्वानों ने स्थान दिया है। बोलियों का क्षेत्र बिहार एवं उससे सटे प्रदेशों तक है। ये भाषाएं आकार बहुला हैं। संज्ञा के सामान्य, दीर्घ और अनावश्यक तीनों रूप पूर्वी हिंदी की तरह मिलते हैं। बचपन में नी या न तथा लोग, लोकनी और सब का प्रयोग होता है। सर्वनामों में तोहनी, हमनी आदि का प्रयोग होता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाइनी, नेपाली आदि है। इन बोलियों का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के प्रदेश। डॉक्टर गोविंद चातक ने मध्य पहाड़ी का बड़ा ही स्वार्गपूर्ण भाषा वैज्ञानिक विवेचन किया है। अतः हिंदी भाषा के अंतर्गत करीब 18 बोलियां विद्वानों ने गिनाई है। इन बोलियों में आपसी बोधगम्यता का तनिक भी अभाव नहीं है। हाँ, मैथिली आदि भाषाओं का स्वरूप कुछ भिन्न है, किंतु हिंदी भाषा एक गोबर पट्टी की तरह है जो इन सभी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी की बोलियों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।